गांव में भिखारी बौद्ध साधु बार बार आता था। उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और लोगों के साथ मिलजुल कर बातें करना उसकी आदत बन गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश रहता था। एक दिन गांव का सरपंच, जिसका नाम राजा था, ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होने के बावजूद भी इतना हंसते क्यों हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह सब अनित्य है? साधु मुस्कुराए और कहे, राजा जी, मैं यह जानता हूं कि सब कुछ अनित्य है, इसलिए मैं इस दुनियादारी के साथ अपना संबंध टूटाने का दुख नहीं करता। मैंने सीखा है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। हेर फेर में साधु से कहा, तुम अगर किसी का हित करोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, सच्चा सुख दूसरों का हित करने में है, धन की जरूरत नहीं। राजा ने समझा कि सुख सच्चाई में छिपा होता है और उसने भी अपने दरबारी और लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उस दिन से वह भी सुखी और खुशहाल जीने लगा और बौद्ध साधु की शिक्षा ने उसकी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ दिया। यह रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ। आपकी सहायता और सपोर्ट के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खोएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें। जय हिंद।